नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूल के बच्चों की 10 मई से दूरदर्शन पर लगेगी पाठशाला, एनिमेशन के जरिए भी होगी पढ़ाई। बिहार के लिए अच्छी खबर, बिहार में आज से 18 साल से ऊपर वालों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, सरकार ने किया ऐलान। बिहार में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, श्राद्ध क्रम में किया गया था ऑर्केस्ट्रा का आयोजन, पुलिस ने रोका तो ग्रामीणों ने कर दिया हमला। बिहार में कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को चाइल्ड केयर होम में रखा जाएगा। कोरोना से संक्रमित 80,000 से अधिक रेल कर्मियों को 30 दिनों का मिलेगा स्पेशल लीव, रेलवे बोर्ड से मिली मंजूरी। 15 जून को होगी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा, आवेदन की तिथि 25 मई तक बढ़ाई गई। लोगों तक मुफ्त भोजन और ऑक्सीजन पहुंचा रहा जाप सेवा दल, राजू दानवीर ने कहा हर जरूरतमंद की करेंगे सेवा। रेमडेसिविर के लिए बिहार का कोटा बढ़ा, 15 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया भी शुरू। कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए बिहार में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद रखा गया है। बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो इस मकसद से शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से इस पाठशाला का संचालन किया जाएगा, जिसका प्रसारण दूरदर्शन के डीडी बिहार चैनल पर सोमवार 10 मई से 10 बजे से 12 बजे के बीच किया जाएगा। कक्षा 9 एवं 10 के लिए सुबह 10 बजे से 1 घंटे की कक्षा लगेगी, जबकि इसके बाद 11 से 12 बजे के बीच 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय नाम दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा इसे लेकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, जिससे इसका फायदा अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को मिल सके। बिहार में तेजी से बढ़ती कोरोना महामारी के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि आज से यानी कि 9 मई से बिहार में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने 3.5 लाख डोज प्राप्त किया है। सरकार ने युवाओं के वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर ली है। शनिवार को बिहार सरकार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि आज यानी कि 9 मई से 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इस अभियान के लिए सरकार ने पर्याप्त मात्रा में डोज मिल गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बिहार सरकार को कोरोना वैक्सीन के करीब 3.5 लाख डोज मिल गई है। एक ओर जहां पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर से त्राहिमाम मचा हुआ है, बिहार में भी स्थिति ठीक नहीं है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने पूरे राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। इस दौरान घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर सख्ती बरती जा रही है, उनसे कोरोना के लिए बने गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। लेकिन वही बिहार के सारण जिले में लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिखे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि खुशी के मौके पर नहीं बल्कि श्राद्धक्रम के मौके पर अमनौर के लखना यादव टोले में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। इस बात की खबर जैसे ही पुलिस को लगी तब मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यक्रम को बंद कराने की कोशिश की, जो ग्रामीणों को नागवार गुजरा। फिर क्या था, ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान लखना यादव टोले में जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण से कई लोगों की अब तक मौतें हो चुकी है। इस महामारी से कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण से यदि किसी बच्चे के माता पिता की मौत हो जाती है और उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, ऐसे बच्चों को चाइल्ड केयर होम में रखा जाएगा। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग ने सभी डीएम को पत्र लिखा है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार ने जिले के सभी डीएम को निर्देश दिया है कि अनाथ बच्चों को अविलंब चाइल्ड केयर होम में रखे जाने की व्यवस्था की जाए। रेलवे कर्मचारी यूनियनों की पिछले एक वर्ष से चली आ रही मांग को रेलवे ने पूरी कर दी है। पूर्व मध्य रेल कर्मचारी यूनियन समेत अन्य रेल यूनियन की ओर से पिछले साल कोरोना की पहली लहर में ही कोरोना से पीड़ित रेल कर्मियों के लिए स्पेशल छुट्टी की मांग की गई थी, जिसे रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय से भी पत्र जारी किया जा चुका है। रेल मुख्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार पूर्व मध्य रेल के सभी 5 रेल मंडल में कोरोना से संक्रमित रेल कर्मचारियों को 30 दिनों का स्पेशल लीव मिलेगा, जो पहले मिलने वाली छुट्टियों से अतिरिक्त होगा। यह स्पेशल लीव 1 अप्रैल 2021 से मान्य होगा। आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेल के मुख्य कार्मिक अधिकारी एस सी श्रीवास्तव ने इस संबंध में 6 मई को सभी डिवीजन और विभागों को पत्र भी जारी किया है।
बिहार के सरकारी व निजी बीएड कॉलेजों के लिए होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। आवेदन की तिथि बढ़ाकर 25 मई तक की गई है। अब तक 54,000 छात्रों ने आवेदन भरा है। अब बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 जून को होगी। परीक्षा संचालित करने की जिम्मेवारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को दी गई है। इसके नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अशोक ने परीक्षा की तिथि बढ़ाए जाने की अधिसूचना जारी की है। अब बिना विलंब शुल्क के 25 मई तक आवेदन किया जा सकता है। 26 से 28 मई तक आवेदन विलंब शुल्क के साथ किया जा सकता है। ऐसे में 11 जून को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके बाद बीएड परीक्षा 15 जून को कराने का फैसला लिया गया है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिकार पार्टी की ओर से पटना के सभी सरकारी अस्पतालों में आज चौथे दिन भी कोरोना मरीजों के परिजनों के बीच भोजन का वितरण किया गया। भोजन वितरण का काम जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर के नेतृत्व में जन अधिकार सेवा दल द्वारा लगातार किया जा रहा है। इस दौरान उनके साथ सेवा दल के सच्चिदानंद राय, भानु यादव, अवध किशोर, आदित्य मिश्रा, चंदन कुमार, अमित जायसवाल, नीतीश कुमार, अमरजीत कुमार, विक्की कुमार, बिट्टू कुमार, राहुल कुमार, सुदेश जायसवाल इत्यादि मौजूद रहे। भोजन वितरण के उपरांत राजू दानवीर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जन अधिकार सेवा दल विगत 4 मई से लगातार सुबह शाम पटना के सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों के परिजनों के बीच अनिश्चितकालीन लंगर के तहत भोजन वितरण कर रही है। इसके अलावा भोजन का वितरण उन निजी अस्पतालों में भी होता है जहाँ लोग कोरोना का इलाज करा रहे हैं और वे हमें फोन से संपर्क करते हैं। दानवीर ने कहा कि इस लंगर की खास बात यह है कि यह कई लोगों के सहयोग से चल रहा है और इसमें हर मरीजों के परिजनों तक पौष्टिक भोजन पहुंचा रहे हैं ताकि वे खाने पीने की समस्या से उलझे बिना अपने मरीजों का इलाज करा सके। इसके अलावा सेवा दल हमेशा अपने से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलती है ताकि जहाँ भी जरूरत हो लोगों की जान बचाने की, वहाँ हम ऑक्सीजन भी पहुँचाते हैं। कोरोना काल में मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा बिहार के लिए बढ़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र की तरफ से पहले 21 अप्रैल से 9 मई तक बिहार को आवंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा बढ़ाकर अब 21 अप्रैल से 16 मई तक 1,50,000 कर दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने बिहार में 15 जगहों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार को केंद्र की तरफ से रेमडेसिविर का 87,800 कोटा मिलना तय किया गया था। इसके साथ ही गंभीर कोरोना मरीजों को विशेष परिस्थिति में दी जाने वाली काफी महंगी विदेशी टोसिली जुम्ब दवा की बिहार को अब तक 150 वायल मिल चुकी है, जबकि बहुत जल्द उसकी 120 वायल और प्राप्त हो जाएगी। बिहार में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। नाइट कर्फ्यू के बाद अब लॉकडाउन में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राजधानी पटना की स्थिति सबसे भयावह है। शुक्रवार को बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 13,466 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में कुल 62 मरीजों की मौत हुई है। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। सूबे में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 13,466 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। राजधानी पटना में सबसे ज़्यादा 2,410 नए मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि एक दिन में 107,153 लोगों की जाँच की गई। बिहार में अब तक कुल 4,49,063 मरीज ठीक हो गए हैं, जिसके कारण स्वस्थ होने वाले मरीजों का औसत 89.16% हो गया है। बिहार में तेज गर्मी के बाद अब पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला सा है। पिछले 3 दिनों से यहां आंधी और बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहीं अगले 2 दिनों तक अभी ऐसे ही मौसम के आसार बने हुए रहेंगे। सुबह के पूर्वी भाग में अगले 48 घंटे में मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओले गिरने के आसार है। वहीं राज्य के प्रमुख शहरों का तापमान सामान्य से भी नीचे चला गया है। शुक्रवार को राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36.4 व न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य के कई जिलों में 1-2 जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मौसम के जानकारों का कहना है कि इस दौरान आंधी की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।